भाजपा राष्ट्रीय महासचिव और हिमाचल प्रदेश भाजपा चुनाव प्रभारी तेरस सिंह रावत ने शिमला में पत्रकार वार्ता कर कहा है कि कांग्रेस का अस्तित्व समाप्ति की ओर है। कांग्रेस पार्टी अपने चिन्ह को बचाने के लिए चुनाव लड़ रही है, जबकि भाजपा देश की सुरक्षा और विकास के लिए चुनाव लड़ रही है। भाजपा देश में 400 से अधिक सीटों पर जीत दर्ज करेगी और हिमाचल प्रदेश की चारों सीटों में भाजपा पिछली बार से भी ज़्यादा मार्जिन से जीत दर्ज करेगी। मोदी सरकार के शासन में देश में भ्रष्टाचार खत्म हुआ है। प्रदेश में भी जयराम सरकार ने भ्रष्टाचार को खत्म कर पारदर्शिता लाने का काम किया है, जबकि पिछली सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी। डबल इंजन की सरकार से प्रदेश के विकास को गति मिलेगी। मोदी की मंडी रैली में अपार जन सैलाब उमड़ा, जिसे देखकर लगता है कि हिमाचल के लोग मोदी को फिर से प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। देखिए, उनको पता है कि प्रधानमंत्री तो मोदी बन रहे हैं, बन गए हैं, इसलिए वो इस बात को कह रहे हैं। और जिस तरह उन्होंने शुरू में महागठबंधन की बात की थी, वो छिन्न भिन्न हो गया है, क्योंकि वो लक्ष्य भी नहीं है और अपने आपस में ही उनके झगड़े, लड़ाइयाँ, फिसाद ये सब शुरू हो गए हैं और अपने अपने आप में एक दूसरे को मानने को तैयार नहीं है। सब नेता बनना चाहते हैं, तो कुल मिलाकर के वो तो अपने आप ही बैक हो गए, पीछे हो गए। दूसरा, कांग्रेस को तो जनता ने नकार दिया है, वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। देखिए, राहुल गांधी को आज भी समझ में आ जाना चाहिए और मैं कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी और राहुल की तुलना हम नहीं कर सकते हैं, करना भी नहीं चाहिए। जिस तरह राहुल के शब्दों का और एक प्रधानमंत्री को इस तरह की बातों का समय समय पे कहना, हर समय, चाहे वो चौकीदार, चाहे वो इस प्रकार की कुछ अपशब्द उन्होंने जिस तरह कहे, ये शोभा नहीं देता। और उसके कारण राहुल का कद बहुत नीचे गया, बहुत नीचे। आज उनकी पार्टी भी इसलिए मजबूरी में उनको प्रियंका को लाना पड़ा और प्रियंका को भी आज किस तरह का स्थिति है ये सब जानते हैं। पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता ने मन बनाया है। 400 प्लस सीटें मोदी जी के झोली में आ रही हैं। मोदी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, बन गए हैं। हिमाचल के अंदर जिस प्रकार का दृश्य मैंने देखा, मैं पूरे हिमाचल के चप्पा चप्पा मंडल तक जो घूम के आया हूँ, बड़ी बड़ी सभाएं प्रधानमंत्री की, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, गडकरी जी की और अपने मुख्यमंत्री जिस प्रकार मैंने देखी है, मैं स्वयं रहा हूँ, उससे लगता है कि पूरी तरह यहाँ की जनता भाजपामय हो गई है। प्रचंड बहुमत से हम लोग चारों सीटें जीत कर आ रहे हैं, मोदी जी की झोली में दे रहे हैं। देखिए, राजनीति पूरी तरह मैं कह सकता हूँ कि देश के हित में, राष्ट्र के हित में, समाज के हित में होनी चाहिए और उससे अलग हट करके यदि किसी ने किया है केवल सत्ता पाने के लिए, तो उसने अपना नुकसान किया है। नहीं, हमारा स्पष्ट है, हमने जो एक लाइन दिया है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, वो 400 प्लस दिया है और उसको, और हम लोग काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हिमाचल के अंदर चारों सीटें दे रहे हैं, उसी से आंकलन लगा सकते हैं। शिमला से रमेश वर्मा की रिपोर्ट।